20-21 हज़ार के अंदर अगर आपने कैमरा स्मार्टफोन खरीदना है जिसमें 4K रिकॉर्डिंग हो, 1080p 60fps आप उसे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ, और अगर आप सेकेंडरी फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक शुरू वाचना है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बीस्ट कैमरा फोन, हेयर इज गूगल पिक्सल 3। अब यार ये जो फोन है 2018 का एक फ्लैक्सीबल अगर स्मार्टफोन है गूगल की तरफ से, यार इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है, कैमराज भी काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, बैक पे सिंगल कैमरा है, लेकिन भाई 5-5, 6-6 कैमरा को ये स्मार्टफोन टक्कर दे सकता है। बट अगर आपने कैमरा स्मार्टफोन लेना तो ये वीडियो आपके लिए, आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, लेकिन उसके पहले वीडियो पसंद है वीडियो को कमेंट लिख दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ऑल करो ताकि मेरी वीडियो से सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं अपलोड करता हूँ। सो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5.5 इंच का एक काफ़ी छोटा डिस्प्ले है, एक हैंडी डिस्प्ले है आप इसे कह सकते हैं, यानी कि भाई जिनको अच्छे और छोटे स्मार्टफोन कंपेटेबल स्मार्टफोन पसंद है तो उनके लिए स्मार्टफोन के डिस्प्ले काफ़ी एक आइडियल साइज हो सकता है। 5.5 इंच का पी ओलेड पैनल देखने को मिलता है, HDR 10+ की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, फुल एच डी की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, कॉर्निंग लगा स्वाइप की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कि पी ओलेड डिस्प्ले एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले की नेक्स्ट जनरेशन आप उसे कह सकते हैं। बट डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन एक क्लियर स्मार्टफोन होने वाला है। अगर बात करें स्मार्टफोन मेमोरी की, इस स्मार्टफोन में दो वेरियंट्स आते हैं पाकिस्तान के मार्केट में, लेकिन आपको मेन वेरियंट देखने को मिलता है पाकिस्तान के मार्केट में 4GB 128GB वेरियंट है, वो आपको कम कम ही देखने को मिलता है, इतना कोई ज़्यादा स्टॉक उसका नहीं आया हुआ पाकिस्तान की मार्केट में। बट मेन जो वेरियंट है वो है 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, यहाँ पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप मिल जाती है, LPDDR4 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। कैमरा की बात कर लीजिए, कैमरा जो है स्मार्टफोन की मेन है, बैक पे सिंगल कैमरा है 12.2 मेगापिक्सल का, OIS की सपोर्ट देखने को मिलती है, 4K 30fps 1080p 60fps आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरे से, और कैमरा रिजल्ट जो है वो काफ़ी नेचुरल देखने को मिलते हैं, यानी कि कैमरा के अंदर गूगल जो है काफ़ी एक ऑप्टिमाइज वीडियोस बनाता है, और यहाँ पर फोटोज़ भी आपको काफ़ी ऑप्टिमाइज देखने को मिलेंगी, ब्रांड निस्बत जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड देख लिए जाएँ अंडर 20,000 वो आपको काफ़ी घटिया कैमरास देते हैं, बट यहाँ पर आपको कैमरास के मामले में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, और कैमरा जो है स्मार्टफोन की मेन हाइलाइटिंग फीचर है। फ्रंट की बात कर लीजिए, फ्रंट पर आपको डुअल सेल्फी देखने को मिलती है, 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिल जाता है, OIS की सपोर्ट देखने को मिलती है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps में, और फ्रंट पे आपको OIS की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। कैमरा जो है स्मार्टफोन काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉयड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, एंड्रॉयड 11 की अपडेट आ चुकी है, गूगल जो है सबसे पहले अपने ही फोन में अपडेट देता है एंड्रॉयड की, जैसे कि एंड्रॉयड 12 की अपडेट भी आपको हो सकता है कि स्मार्टफोन देखने को मिल जाए, ये बात कन्फर्म है। अगर बात कर लीजिए स्मार्टफोन प्रोसेसर की, परफॉर्मेंस की मेन बात है, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट, 10 नैनोमीटर बेस्ड है, यानी कि भाई स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी आपको तगड़ी देखने को मिलती है। गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है, लेकिन बात कर लीजिए स्मार्टफोन की बैटरी की, 29 mAh की बैटरी देखने को मिलती है ऑलमोस्ट, और साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर है, वायरलेस चार्जिंग भी आप स्मार्टफोन के साथ कर सकते हैं। यार यहाँ पर बैटरी जो है थोड़ी सी कम की गई है, अगर यहाँ पर 4000 mAh बैटरी दे रहे तो ये स्मार्टफोन एक क्लियर स्मार्टफोन नहीं होता गेमर्स के लिए, बट मैं कोई गेमिंग के लिए स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है तो उसके साथ को एक हैवी बैटरी होना भी लाजमी है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि भाई यहाँ पर आप चार्जिंग के साथ लगा के गेम खेलते हैं तो फ़ोन काफ़ी हीट हो जाता है, और थर्मल थ्रॉटिंग भी देखने को मिल जाती है, अगर फ़ोन हीट हो जाता है तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, क्योंकि अगर फ़ोन हीट होता है तो उसका प्रोसेसर जो होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, और उसकी वजह से फ़ोन जो है थोड़ा थ्रॉटल करता नजर आता है। बहरहाल ये स्मार्टफोन एक गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, सेकेंडरी तौर पर आप स्मार्ट में थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हैं, क्लासिक मैचेज में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ये स्मार्टफोन आपको फ्रेम ड्रॉप्स भी दे सकता है। बहरहाल 2.0 टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, 3.0 ऑडियो जैक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, ये थी सारी स्पेकशीट ऑफ गूगल पिक्सल 3। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यार देखो ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वेरियंट जो है पाकिस्तान की मार्केट में वाफल स्टॉक आया हुआ है इसका, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी आप इधर से आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी गाँव में रहते हैं तो आपको ये स्मार्टफोन जो है मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन ना बाय करें, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है, ये 24-25 हज़ार में आपको देखने को मिलेगा 4/64 वाला, जो कि आपको मार्केट में 19,520 हज़ार में 21,000 में देखने को मिलता है। PTA अप्रूव कराएंगे तो ये स्मार्टफोन आपको तकरीबन 7,000 रुपये टैक्स लगता है इसके ऊपर PTA से अप्रूव कराने में, तो फिर ये स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 30,000 का बजट है, और 30,000 की पैसे के अंदर ये स्मार्टफोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने स्मार्टफोन खरीदना है एज अ सेकेंडरी फोन, अगर आपके पास पहले फ़ोन है सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो, किसी का भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उनका फ़ोन यूज़ करते रहे, सेकेंडरी फ़ोन पर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कैमरा का फीचर लेना चाहते हैं गूगल के फोन को
ट्राई करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। आप स्मार्टफोन के साथ लाजमी तौर पर जा सकते हैं। मैं आपको स्मार्टफोन लाजमी तौर पर रिकमेंड करता हूँ अगर स्मार्टफोन को 19,520,000 में देखने को मिले। गेमिंग के लिए हाईली नॉट रिकमेंडेड है, कर सकते हैं गेमिंग लेकिन स्मार्टफोन हीट कर जाएगा और परफॉर्मेंस अब में आपको मदद नहीं आने वाला और बैटरी भी प्लस छोटी देखने को मिलती है। ये बातें मैंने आपको बता दी, प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। और तो आपको वीडियो से नए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।